नमस्कार चिल्ड्रंस, नमस्कार बच्चों। हम किस तरह से गूगल शूट की आईडीज को ओपन करेंगे और उस सब के लिए नीरज सर आपकी क्लास में या सभी क्लास टीचर्स अपनी अपनी क्लास में लिंक और पासवर्ड भेज देंगे, यानी आपकी आईडी क्या रहेगी, आपका पासवर्ड क्या रहेगा, वो आईडी पासवर्ड आपको क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गूगल क्लासरूम, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सीधा गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और यहाँ पर गूगल क्लासरूम लिखेंगे, ऑटोमेटिक ही आएगा। तो मैंने अभी यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है, इसीलिए यहाँ पर ओपन दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ पे इंस्टॉल दिखाएगा। इंस्टॉल पे क्लिक करो, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपके फ़ोन में भी ये ओपन का ऑप्शन दिखाएगा और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह से खुलेगा, यानी आपके मोबाइल में जो भी आईडी है उस आईडी को यहाँ पर एक शो करेगा, यहाँ पर शो करेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो टीचर्स आपको आईडी दे रहे हैं वो भरनी है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसी के ऊपर, फोटो के ऊपर ही या यहाँ पर कोई भी आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऐड अकाउंट के ऊपर जाएंगे, ऐड न्यू अकाउंट। जैसे ही आप ऐड न्यू अकाउंट को यूज करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन ओपन होगा, आपके फोन में जो भी पैटर्न लगा हो उसको ओपन कीजिए। अब यहाँ पर जो टीचर्स ने आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किए हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। अब मैं आपका एक, ऐश्वर्या का या किसी का भी एक ऑलरेडी फिलअप करके दिखा देता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स के लिए S2342 और ऐश्वर्या कंटिन्यू विदाउट स्पेस, और फिर उसके बाद आपका लास्ट 5 डिजिट्स का एडमिशन नंबर और फुल नेम @elearnkvsrobangalorebllr.in। अब मैंने सर्च कर लिया तो नेक्स्ट करेंगे, ये ऑलरेडी इसमें दिखा रहा है। अब देखिए हम दूसरी आईडी यूज करते हैं यहाँ पे, ये सबके लिए कॉमन रहेगा, S2342। आगे मैं फिल करता हूँ अतर्व की, ATH ARV और S। यहाँ पे अतर्व S था, विदाउट स्पेस कंटिन्यू किया और लास्ट 5 डिजिट्स एडमिशन नंबर हमने उसका फिल कर दिया और बाकी सेम रहेगा। अब नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये पासवर्ड के लिए पूछेगा, पासवर्ड आपको बताएंगे आपके क्लास टीचर। और नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे तो ऐसी स्क्रीन आपके सामने एक ओपन होगी। आपको यहाँ पे नीचे जा करके अब एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है और फिर एग्री कर देना है। आई एग्री के ऊपर जाना और उसको भी एक्सेप्ट कर देना। अब इस तरह से आपका फोन में ये एड्रेस ओपन हो जाएगा, आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कॉर्नर में मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आईडी ओपन करके देगा, यहाँ ये अतर्व आईडी। अब जैसे ही अतर्व की आईडी चूज करेंगे हम तो वो अतर्व का ऑप्शन ओपन कर देगा। उसमें जितनी भी क्लासेज के लिए रिक्वेस्ट आई है सभी रिक्वेस्ट यूज करनी है। जैसे नीरज सर ने आपकी क्लास के लिए 5th मैथमेटिक्स का बनाया है कि पंकज सर पढ़ाते हैं, मंडे को क्लास होती है, टाइमिंग दिया है। देखिए यहाँ पर पहली क्लास अतारू के सामने ये आएगी, उसको सिर्फ यहाँ पर ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो एक बार ज्वाइन होने के बाद नेक्स्ट टाइम जैसे ही क्लास टीचर यहाँ पर शेड्यूल करता है तो आपको ऑटोमेटिक लिंक मिलते जाएंगे, बार बार आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक क्लास में ऐड हो जाएंगे। अगर आपको क्लास में से एक बार निकाल दिया फिर आप परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप अपने आप अपडेट होते जाएंगे, क्लास में ज्वाइन होते जाएंगे। इसी तरह आपको सभी पे एक एक करके आपको सभी क्लासेज ज्वाइन कर लेनी है। आपकी क्लास सारे लिंक्स सर ने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं तो इस तरह से आप क्लासेज ऐड कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक गूगल क्लासरूम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है और आपको आईडी ऐड करनी है। अब चलिए देखते हैं, मान लिया अतर्व हिंदी की क्लास ज्वाइन कर रहा है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ,
तो उसको ज्वाइन करके अब आगे देखते हैं कैसे उस क्लास का शेड्यूल रहेगा, क्या होगा। तो जैसे ही वो ज्वाइन करेगा तो उसका यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन हट जाएगा और ये उसकी पूरी क्लासरूम हो गई। यहाँ पर वो क्लासरूम का होमवर्क, क्लास वर्क जो भी आएगा वो यहाँ पर देख सकता है। जब भी कोई लिंक होगा, जैसे ही मैं यहाँ से अपने पास से यहाँ इस ऑप्शन में गूगल लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा तो वो आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ गूगल क्लासरूम ओपन करना है, क्लास के ऊपर क्लिक करना है, आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, आप उस क्लास में ऐड हो जाएंगे। आप यहाँ से कोई गूगल क्लासरूम मीट कुछ नहीं कर पाएंगे, ना आप किसी तरह से प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। तो इसी में आपका होमवर्क यहीं पर आता रहेगा और ये आपकी खुद की आईडी खुली रहेगी। इसी में आप यहाँ पर क्लासरूम का फोल्डर यहाँ बन जाएगा कि आपने कौन सा होमवर्क लिया है, दिया है, सब चीज़ें आपकी यहाँ पर इस फोल्डर में सेव होती रहेंगी। और हाँ, दूसरी बात कि आप एक आईडी को एक ही फोन में खोलने की कोशिश करते थे या दूसरे फोन में दूसरी आईडी मिलती थी, अब आप इसमें एक चीज कर सकते हैं कि जो आपको आईडी 2342 स्कूल की साइड से दी गई है, आप गूगल क्लासरूम मीट में, गूगल मीट में सिर्फ इसी आईडी से ऐड हो सकते हैं। बाहर की आईडी से अगर ऐड होने का ट्राई करेंगे तो वो क्लास टीचर के ऊपर डिपेंड होगा, सब्जेक्ट टीचर के ऊपर डिपेंड होगा कि वो आपको ऐड करे या ना करे। लेकिन अगर आप इस आईडी से अप्लाई करते हो तो आप ऑटोमेटिक उस क्लास में ज्वाइन हो जाओगे। तो इसीलिए जब भी आपका कोई भी पेरेंट्स बाहर चला गया है और आपके पास दूसरा कोई मोबाइल है तो आप उस मोबाइल में भी सेम प्रोसीजर करके ऐड करके ये ईमेल आईडी गूगल क्लासरूम में आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आपके होमवर्क से रिलेटेड, गूगल क्लासरूम में अटेंड करने से रिलेटेड, या बच्चे बार बार प्रेजेंटेशन करते हैं उससे रिलेटेड सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इस तरह से आप दूसरी ईमेल आईडी, जो भी आपके पेरेंट्स की ईमेल आईडी है, वो यूजफुल नहीं रहेंगी। आपको सिर्फ यही आईडी यूज करनी होगी और इस आईडी के द्वारा स्कूल और आरओ आपको मॉनिटर करेगा और आप सभी होमवर्क, क्लास वर्क या टीचर ने आपको क्या काम दिया है, नोट्स सब इसी में आप देख पाएंगे। तो इसके लिए आप सभी को गूगल क्लासरूम कंपलसरी हो जाएगी और गूगल मीट जरूरी होगी। तो एक बार गूगल क्लासरूम डाउनलोड कीजिए और मीट को डाउनलोड कर लीजिए। एक जगह आईडी भर देने से हर जगह वो आईडी भर जाएगी। देखिए।